इतने से क्या होगा, और जलेबी लेकर आना। मुझे सासू माँ का हाथ बटाना है जगिया। हाँ तो चली जाना ना, पहले जलेबी तो लेके आ जल्दी से। जी जी। कैसा है जगदीश बेटा? खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। मामू साहब, ये आनंदी है, मेरी बीनी। मैं तो इसे देखते ही समझ गया था। ये लो, ये तुम्हारे लिए, मेरी माँ के जेवर है। ले आनंदी बेटा, तेरी नानी सास का आशीर्वाद है। सुगना कहाँ है? मैं अभी बुला लाती हूँ। झगड़ा करना बंद करो। मैं अपने सासरे चली जाऊंगी, फिर तुम्हारी किटपिट सुनने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पर। सबसे डांट पड़ेगी ना, तब मैं ना आऊंगी छुड़ाने के लिए। जीजी, आप ना उसकी ओर मुंह करके उसको समझाओ। आप तो जानती हो ना जीजी कि यही हमेशा झगड़ा करता है, मैं नहीं करती और ये तो मुझे हो गया शुरू। रोतड़ू कहेगी, शिकायत करने का मौका मिला नहीं, जिस काम चाहती है वो ही भूल जाती है। सुनो जीजी, हमने आपके लिए कुछ बनाया है, ये देखिए। ये आप है और ये जीजू सा, पीछे आपका सुंदर सा घर, और ये मैं हूँ और ये आनंदी। जीजी, इसे आप अपने साथ ही ले जाइए, आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको हमारी याद आएगी। अब जीजू सा के घर जाके मैं भूल तो नहीं जाएंगी ना। तुम दोनों की दोनों, इसे देख के तुम्हारी याद नहीं, बल्कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं इसे देख लिया करूंगी। हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगी इसे। जग्या? हाँ भी, तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं अपने सासरे जाने के बाद तुम्हें भूल जाऊंगी? हाँ? को देखकर कुछ याद आया, ये वो राखियां है जो हर साल तेरी कलाई पे मैं बांधती आई हूं, और तू
अगले दिन ही उन्हें निकाल के फेंक दिया करता था। तब मैं इन्हें उठा के अपने बक्से में रख लेती थी, अपने भाई की सारी निशानी समेट के अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और तू कहता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगी। देखना, आप इस साल जो आगे बढ़ेंगे ना, बहुत संभाल के रखूंगा, कुछ ना होने दूंगा राखी को। चुहिया, ये पहना देना, मुझसे बनता ही नहीं है। किसने कहा था तुझसे ये फांसी का फंदा अपने गले में डालने के लिए? चकिया, तू इसे उतार दे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा हूँ, पर कुछ और भी होना चाहिए ना। मैं तेरा श्रृंगार कर दूँ? हाँ, बैठ, अब अपनी आंखें बंद कर। खोल और देख अपना चेहरा शीशे में। ये क्या किया? छोरे को भी लाली लगा दिया क्या? मैंने जब तुझसे पूछा कि श्रृंगार कर दूं, तो तू तो जैसे मान गया। श्रृंगार तो ऐसा ही होता है, पूछे दाई जी और सुखदा जी से। मैं भी जाके पापा को बोल के आता हूँ कि आनंदी मेरी हंसी उड़ा रही थी। बाहर कैसे जाऊं? सब दोस्त बैठे, सब मुझे देख के हंसेंगे। बहुत बुरी है तू, मुझे भी अपने तरह चिड़िया बना दिया तूने। मुझ पे क्यों बिगड़ रहा है? तूने ही तो कहा था ना। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये लो दुपट्टा और लाली पोंछ लो। जूसा तुम्हें सचमुच में लेकर चले जाएंगे? जीजी, आप अपने सास से चले जाओगी तो हम कैसे मिलेंगे? जीजी, जैसे आप मेरे और जग्गिया के साथ नंदोई सास से मिलने जाती थी ना, वैसे ही अपने गौने के बाद नंदोईसा के साथ आना हमसे मिलने, ठीक है? आओगी ना? पर आप रोज रोज थोड़ी ना आओगी। रोज रोज नहीं आ सकती, लेकिन रोज रोज बातें तो कर सकते हैं ना। ये फोन तुम अपने पास रख लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी मुझसे बात करने का मन करे, प्रताप का नंबर लगाना और मुझसे बात कर लेना। जी जी, ये किसका मोबाइल है? हर बार जाना जरूरी है क्या? जी जी, हम बात तो कर लेंगे, पर यहाँ पर हमारे साथ बात करने वाला कोई भी ना होगा और खेलने वाला भी नहीं।
ये बंदर तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहता है।